अब आ जाए विराट कोहली की तरफ, तो विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में, तो न्यूजीलैंड के सामने इंडिया से बड़ा चैलेंज विराट कोहली है। पहले मैं ये मेंशन कर रहा था कि भाई ये चैलेंज कर पाएंगे घर में, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉम लेथम की कयादत में विलियमसन और साउथी को मिस करेगा वनडे सीरीज में। श्रेयस अय्यर इंजर्ड होके बाहर हो गए हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ऑफ लेट इंडिया के लिए। ओडीआई क्रिकेट में जब जब इंडिया फंस रहा था, श्रेयस अय्यर उन्हें निकाल रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ तो खैर इंडिया फंसा ही नहीं ना, विराट कोहली ने फंसने ही नहीं दिया, बल्कि पूरा ही फंसा दिया उनको। अब आप देखें तो रजत पाटीदार, आपको मालूम है बार बार क्या याद दिलाना, क्या हम उसके एडमायरर हैं, 2 साल से पिछली आईपीएल के रन्स पर नहीं है। जब वो 2 मैच खेल के आईपीएल से ड्रॉप हुआ था तब भी उसका पोटेंशियल नजर आया था कि वो लेंथ का बड़ा क्विक पिकर है, ठीक है। अब वो टीम में, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट देख रहा हूं मैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव अब परमानेंट खेलेंगे 3 मैचेस। पहला हक उनका है, क्योंकि जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है और डे बाय डे बढ़ रही है, और जिस तरह से T20 में वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, तो विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव, इन पर लोगों की नजरें मरकूज हैं। और कप्तान रोहित शर्मा की सेंचुरी, अब विराट के बाद रोहित शर्मा की सेंचुरी भी मोहम्मा बनती जा रही है, लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी सेट हो रहे हैं, 50 से कम पर आउट हो रहे हैं, कभी 70 में आउट हो रहे हैं, बड़ा 100 नहीं आ रहा है रोहित शर्मा का भी काफी दिन से। तो डेफिनेटली हमें रोहित शर्मा को भी देखना है कि रोहित शर्मा जो है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड आने वाली इंडिया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, गेल राहुल को कप्तान बना रहे हैं, विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, क्या मतलब है इसमें? भाई अगर एक प्लेयर अच्छी फॉर्म में है तो तुम्हें उसे और प्रमोट करना चाहिए ना, और मौके देने चाहिए भाई, अभी तो उसका बेस्ट आउटकम बाहर आएगा। अभी उसने इतने रन्स मारे हैं पूरे ओडीआई में, उसने इस साल 4 ODI खेले और 3 सेंचुरीज लगाई है, मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को दहला दिया और बता दिया कि शेर आ गया। लेकिन यार इंडिया के जो बंदे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि यार वो राहुल को कप्तान बना रहे हैं। भाई राहुल को कप्तान बना रहे हैं यार, चलो माना हार्दिक पांड्या को तुमने कप्तान बनाया, क्योंकि क्यों कप्तान बनाया, क्योंकि राहुल के यार राहुल को ड्रॉप कर दिया था। ये कह रहा हूं यार, राहुल से अच्छे अच्छे बंदे कैप्टनसी नहीं बल्लेबाजी में भरे हैं, विकेट कीपिंग में भरे हुए हैं। मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि संजू सैमसन ड्रॉप हो रहा है, ईशान किशन ड्रॉप हो रहा है, वो तो राहुल से अच्छे बल्लेबाज भी विकेट कीपर भी है। संजू सैमसन की हमने कंसिस्टेंसी देखी आईपीएल में, किस तरीके से रन बनाते भाई उनका डेली का यार, जब आते वो बैटिंग में रन बनाते पर उन्हें मौका ही नहीं। और भाई ये केएल राहुल यार छोटी टीमों को बैस करता है, जैसे बाबर आजम और रिजवान कहते हैं, ये कहां रन बनाता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाता है ये, इसके बाद छोटी मोटी टीम श्रीलंका के खिलाफ भी अभी ये फ्लॉप हो गया। एक मोहब्बतों से मालूम है कि टेस्ट क्रिकेट ही असल हुस्न है, कहां खड़ा है, कौन है टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1, कौन है आज, कौन हुआ है अपनी रैंकिंग। रोहित शर्मा 1 पे नहीं आया है, विराट कोहली 1 पे टेस्ट में शायद नहीं आया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया 1 पर हो गया है। तो भाई इस वक्त इंडिया जो है ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट खड़ा हो गया नंबर 1 पर मेरी नजर में। रियल क्रिकेट में इंडिया नंबर 1 है। देखिए यार मैं आपको, पीछे ऑस्ट्रेलिया, आप कहां हो, घंटे के हो आप, तो आप कहां हो उनको बताओ, आप कहा हो आप, मैं बताता हूँ कहा हो। देखिए आप ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आई, आप हारे हो हाईवे बना के, आप वहां हो, आप बेन स्टोक्स ने फ्री में मारा आपको, फ्री में, पैसे भी नहीं लिए उसने अपने मुल्क से, जो लिया आपको देके चला गया फ्लड रिलीफ में। देखिए यार अगर आपने बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट से कुछ पूछना है, हाँ, तो ये जो ICC की लानत चलती है ना हर बुध को, इसके बारे में पूछ ले कि भाई इस लानत में तुम लोग शामिल क्यों नहीं हो, मुझे ये बात बताओ। ठीक है बाबर आजम ODI में नंबर 1 है, ODI में ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया आज, अपनी रैंकिंग किधर है पाकिस्तान की पता है किसी को? हाँ। यानी कि जहां आपको ऑनर अपनी कंट्री को देना चाहिए वहां खुद लिए बैठे हैं आप। हाँ। मतलब इस कदर घंटे के प्लेयर हैं आप, इस कदर वन हो गया, मतलब कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको अगर एंजॉय करना है ना, अपनी जीत को एंजॉय करना है, तो टीम को लिफ्ट करो ना ऊपर, अपने आप को लिफ्ट करके क्या फायदा होगा, अपने आप को चौड़ा करके क्या फायदा होगा। मुझे किसी को जवाब नहीं देने के कह के तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो तस्कीन मिल जाएगी कि मेरा जादू चल गया, अबे घंटा चल गया तुम्हारा, ऐसी की तैसी हो गई तुम्हारी, देख लो तुम, तुम्हारी परफॉर्मेंस सिर्फ तुम्हारी थी इसलिए तुम तुम्हारे साथ सोशल मीडिया पे तुम्हें बैच किया जा रहा है। अगर ये ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस हो, यो टेस्ट पास कर लिया उस मोटापा जिसको कहते हो सरफराज खान ने, यो टेस्ट हमारे यहाँ जब से मिकी आर्थर गया टेस्ट ही नहीं हो रहे, इनके टेस्ट करा लो या आधी टीम अनफिट निकलेगी, ये भी बता दूं मैं, ये नए बोर्ड को मैं कहता हूँ लोग ढूंढने के बजाय इनके फिटनेस टेस्ट रखवा ले। मैं यही कह रहा हूँ, शादाब ऑस्ट्रेलिया से आए आके बताया नहीं कि मैं अनफिट हूँ, और शाहिद आफरीदी ने प्रेस को
कॉन्फ्रेंस में खुल्ला का शाह मुझसे बोला मैं तीन वनडे निकाल लूंगा इंजर्ड फिंगर से। कमाल हो गया, ये सोच कैसे बनी हुई आपके खिलाड़ियों की यार कि मैं इंजर्ड हूं पर मैं तीन मैच निकाल लूंगा। उंगली करना अगर पड़ जाती उनको वहां पे तो उंगली तो खराब है उनकी, करता कौन उंगली उनकी। नाराज हुए वो लोग, नाराज हुए शाहिद आफरीदी ने उनसे बॉलिंग करवाई है बुला के, तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम्हारी फिंगर सही नहीं है। मगर शाहिद आफरीदी ने अपनी सिलेक्शन की परफॉर्मेंस भी उसी तरह दी जिस तरह से वो बाकी फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया करते थे। जितनी शादाब हमें तो पसंद है परफॉर्म कर रहे थे के लिए उतनी ही देर में वो अपनी सिलेक्शन। क्या उसामा मीर, क्या उसामा मीर अब ड्रॉप होगा? बिल्कुल होगा, क्यों? यही तो मेरा सवाल है। अब उसे भी कैरी करना है आपको, उसने बुरी बॉलिंग तो नहीं की? नहीं बुरी, वो हाईलाइट बनी हुई है उसकी सीरीज की बॉल जो उसने विलियमसन को बोल्ड किया। देखिए यार मैं आप क्या होगा, वैसे ये वाले मंजन तो होते ही हैं। ब्रेसवेल पे जो बाबर स्टंप हुआ है, हाँ। चार रन बना के, एक वो और एक विलियमसन का बोल्ड, हिस्ट्री का अनोखा बल्लेबाज हो गया बाबर। हाँ अनोखा है, अनोखा बल्लेबाज है। तीन लगातार मैच की सीरीज में तीनों बार स्टंप, एक ही आदमी, तीन मुख्तलिफ बॉलर से। देखिए इससे पहले भी कोई वेस्ट इंडियन मुझे याद हो चुका है मगर विकेट कीपर तीनों मरतबा अलग थे। हाँ कमाल है, ये अनोखा आदमी, इसने भी ताड़ के ब्रेसवेल को दिया है मंजन, वो उसको लेटहम को दिया है। शिव भाई की, शब्बू भाई की क्या कहानियां मार्केट में गरम है कि चीफ सिलेक्टर बनना चाह रहे हैं वो और उनको अप्रोच किया जा रहा है, मतलब उनको रोकेगा कौन? नहीं वो तो चीफ सिलेक्टर बन तो के आएंगे, वो तो है, वो तो सारे उठा लेंगे डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के लड़के। अच्छा वो तो सफेद पैंट पहन के खुद ना खुद खड़े हो जाएंगे सिलेक्टर, वो सफेद पैंट उनकी जितेंद्र वाली पैंटे पहनते हैं वैसे भी, वो जब आप देखेंगे व्हाइट पैंट में देखेंगे, व्हाइट बैंड के बड़ा शौक है उनको जितेंद्र वाले। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो आ गए, चले मान लिया आप आंख बंद करके सोचेंगे शोएब अख्तर चीफ सिलेक्टर है, तो सिर्फ क्या 11 के 11 तेज हो जाएंगे, 11 के 11 तेज हो आज भाई सब बट्टा बोले कराना शुरू कर देंगे, बल्लेबाज भी कहेंगे हम 150 कराते हैं क्योंकि हमारे चीफ सिलेक्टर 150 थे। अब आप ये देखिए किस तरह अलल्ले तलल्ले नहीं होते, अलल्ले तलल्ले मजे चल रहे हैं कि जाओ उजाड़ दो पूरा चमन तुम्हारा है, पूरा बाग तुम्हें तैयार करके दे रहे हैं उजाड़ दो, ठीक है एक थोड़ा सा शेर शाहिद आफरीदी ने डाला उससे ज्यादा पूरा चीता डाल देंगे, शोएब अख्तर आ गए तो चीता डालेंगे अभी। शोएब अख्तर मतलब ये वो शाहिद आफरीदी को रहना चाहिए था यार, मतलब भले रज़ाक वगैरह काम करते पर शाहिद आफरीदी को रहना चाहिए। देखिए ये लोग कभी सिखा नहीं सकते, ये सिखा ही नहीं सकते, मैं आपको बता दूं इनके सिर्फ मंजन आप सुन ले बैठ के, वो आपको मजा तो दे देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप इनको बोलेंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमने करना है तो घंटा इनसे होता ही होगा ही नहीं, अगर हो रहा होता तो ये इतने अरसे से झक मार रहे होते, ये किसी एक दो बच्चों को खड़ा करके बोल चुके होते भाई रिटायरमेंट के बाद मैंने जो है ये निकाल के दिया है पाकिस्तान को, एक बच्चा कोई दे दे इनके नाम ले रहा हो। सर हर आदमी जिससे पूछेंगे शोएब अख्तर कैसे लगते हैं, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हाँ। ये बोलता हूँ मिलेगा आपको, कोई ये नहीं बोलेगा बहुत सिखाया उन्होंने मुझे। यार बात ये किन तो बेसिस पे कौन आ रहा है, एबिलिटी नहीं है भाई, क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान की मॉनिटर कर रहे हैं किसी डोमेस्टिक टीम में? वही तो कह रहा हूँ कि थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे सिस्टम में आप कभी किसी को नहीं लाते, इन लोगों की ईगोज हट होती है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ अब्दुल रजाक को अगर आप चीफ सिलेक्टर बनाए तो मुझे खुशी होगी, क्यों? वो डोमेस्टिक में नीचे जा के टीमों के साथ काम कर चुके हैं, लड़के की खैर है इफ्फी भाई, जो कॉमन सेंस की बात है कि नीचे केपीके में भी कोच किया ना उन्होंने रीजनल टीमों को, ये आदमी तो सिर्फ बैठे हुए अपने प्रोग्राम करता है कि उसको उड़ा दो मैं उसको तेज कर दूंगा, क्यों नहीं किया इन्होंने 2 साल में आमिर को बुला के तेज? नहीं अपनी जबान तो तेज कर ली ना उन्होंने, कोई तेज नहीं जबान तेज, मतलब जाके करो ना केआरएल की कोचिंग, जाके रीजनल पिंडी की टीम संभालो ना पहले, डायरेक्ट हर किसी को पाकिस्तान का ही कोच लग ले। मसला वही है, देखिए यार मैं आपको बताऊं, आप में अगर थोड़ा सा भी कीड़ा काटता है ये वाला कि यार मैंने भी कुछ देना है क्योंकि मुझे ऑनर मिला है, हाँ। तो फिर जाके वो उन जगहों पे जाओ ना जहाँ कीड़े मकोड़ों के, तो फिर जाके नीचे ग्रास रूट पे जाके स्काउटिंग करो ना, लगाओ ना किसी 2-4-5-6 बच्चों के ऊपर 5-6 साल, लाओ ना अपना मंजन फिर डालो ना पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के अंदर, हाँ। ये मेरे लौंडे हैं भाई, इनको कोई बीट कर देगा मैं मान जाऊंगा, इनको बीट कर दो, ये सबसे अनोखे। अबे एक भी किसी ने आज तक कोई एक नहीं दिया यार, वो ये नसीम को जो तोड़ के लाए थे, ये वो तोड़ के लाए थे अजहर अली, कहने लगे मैं एक जगह क्लब का मैच खेल रहा था तो वहां मैंने देखा कि एक लड़का है बड़ा तेज, डोमेस्टिक में जो आउट कर देता था ना, ये ले आते थे अपनी तरह का फारिक बैट्समैन लगता था, इनको ऊपर ऊपर का मीठा मीठा चाहिए होता है, नीचे जाने जाकर कोई खेले भाई 93 बोले में उसने 50 बोले खेल ली, इससे बड़े 93 रन मैंने नहीं देखे, इससे अच्छा इंडिया हार जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन जितनी धीमी बैटिंग इसने करी है 93 बोल में 50 लगा रहा भाई, इससे अच्छा तो 4-5 बोले में आउट हो जा वो सही रहेगा भाई। पर मेन मुद्दा यार मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को मौका देना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से
उनकी फॉर्म बरकरार है, चार इनिंग में उन्होंने तीन सेंचुरी लगा दी। मैं कह रहा हूँ मौका नहीं दोगे तो मैं कह रहा हूँ विराट कोहली को कैप्टन ना बनाओ यार, एज अ प्लेयर तो खिलाओ, बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका मोरल डाउन कर रहे हो यार। बीसीसीआई वालों को यार देखो, पूरी दुनिया भले ही विराट कोहली को कितना भी प्रेस कर ले, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन तो पूरा वर्ल्ड हो, लेकिन यार अंत में बीसीसीआई जो अपने यहाँ पे करती है ना ड्रामेबाजी यार, कोहली को तुम बार बार ऐसे, तो हर सीरीज एक सीरीज कोहली खेलता है, दो तीन मैचेस, तीन मैच के लिए तुम रेस्ट दे देते हो, तो ऐसे में पूरी दुनिया को क्या लगता है कि भाई कोहली को ड्रॉप किया जा रहा है हर सीरीज के बाद, कोहली को ड्रॉप। भाई एक प्लेयर की रिस्पेक्ट होती है यार, एक रिस्पेक्ट के चलते यार खिला लो किसी प्लेयर को, कोई अच्छी फॉर्म में भाई, उसने अपनी बैटिंग के दम पे 317 रनों से अकेला उसने ही हरा दिया पूरे श्रीलंका को, और जब वो खड़ा रहता है तो अदर प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो गिल हो चाहे स्काई हो, लेकिन यहाँ पे राहुल को कप्तान बना रहे हो भाई। लोग कुमारा की इतनी तारीफ कर रहे थे, एक दिन उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर घोषित कर दिया भाई, ने 166 रन बनाए कुमारा को, जैसे उसने लास्ट में छक्के मारे हैं ना, मुझे नहीं लगता वो कुमारा को जो आगे बढ़ के उसने जो 101 मीटर का टांग उठा के छक्का मारा था। हाँ तो भाई वैसे छक्के नहीं मार सकते यार, T20 सीरीज में तुम उसको ड्रॉप आउट कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ड्रॉप आउट कर रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो, ये कैसा रेस्ट है। T20 की फॉर्म हमने देखी थी कोहली की, जब पाकिस्तान के खिलाफ उसने भूत बनाया था पाकिस्तान का, जब इंडिया फ्रीदी को लपेटा था, नसीम शाह को लपेटा, जब इंडिया फंसा होता है तो यार विराट कोहली आगे जिताता, चाहे वो टेस्ट ओडीआई हो T20 हो, और तुम यार हर मैच हर सीरीज के बाद कोहली को ड्रॉप कर देते हो, तो मेरे हिसाब से ये कोहली के साथ अनफेयर हो रहा है। और आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बताइए, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद, जय हिंद।